ये सारी नंदिनी की चीजें हैं ना केटी जी? नंदिनी का सामान आपने इतने सालों तक संभाल कर रखा है क्यों केटी जी? नंदिनी कोई हसीन याद नहीं है जिसे आपने इतना संजो कर रखा है। वो एक ऐसा कांटा है जो अब तक आपके दिल में है और जब तक इस कांटे को आप निकाल कर बाहर नहीं फेंकेंगे ना तब तक आपके जख्म हरे ही रहेंगे, कभी भरेगा नहीं, आपको और दर्द ही पहुंचाते रहेगा। इसीलिए निकाल कर फेंक दीजिए ये सारा सामान। मुझे बताने की जरूरत नहीं मुझे क्या करना चाहिए, मुझे पता है, हट जाइए। केटी जी, केटी जी मेरी बात सुनिए, केटी जी, केटी जी दरवाजा खोलिए, केटी जी, केटी जी आप अपने साथ बहुत गलत कर रहे हैं। नंदिनी नहीं, आप खुद को चोट पहुंचा रहे हैं। उसका सामान आसपास रखना, उसके बारे में 24 घंटे सोचते रहना, ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं केटी जी। सबसे पहले उसकी चीजों को ना अपनी जिंदगी से निकाल कर बाहर फेंक दीजिए, तभी आप उसे भुलाने की शुरुआत कर पाएंगे, एक नई जिंदगी की शुरुआत कर पाएंगे। केटी जी आपने अपने आप को देखा है, आप कैसे बन गए, क्या हाल हो गया आपका? जब से नंदिनी वापस आई है आपके ऊपर इतना खराब असर पड़ रहा है कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं सब देख सकते हैं सिवाय आपके। केटी जी एक बार मुझ पर भरोसा कीजिए ना प्लीज। अपने आसपास आपने जो दीवार खड़ी करके रखी है उसे तोड़कर एक बार मुझे अपने पास आने का तो मौका दीजिए। नंदिनी का सारा सामान आप प्लीज फेंक दीजिए केटी जी, जो आपको इतना दर्द देती है, क्योंकि वो हमेशा आपको दर्द ही देती रहेगी। प्लीज केटी जी इस चीज से बाहर आने की कोशिश तो कीजिए। केटी जी नहीं देख पा रही हूं मैं केटी जी को इस हालत में। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे नंदिनी का जादू केटी जी की जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाए। आप अपने साथ बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। नंदिनी नहीं, आप खुद को चोट पहुंचा रहे हैं, खुद को चोट पहुंचा रहे हैं। उसका सामान आसपास रखना, सामान उसके बारे में 24 घंटे सोचते रहना, ये आप ठीक नहीं कर रहे केटी जी, नहीं कर रहे केटी जी। सबसे पहले उसकी चीजों को ना अपनी जिंदगी से निकाल कर बाहर फेंक दीजिए, बाहर फेंक दीजिए, तभी आप उसे भुलाने की आप शुरुआत कर पाएंगे, शुरुआत कर पाएंगे। नंदिनी का सारा सामान आप प्लीज फेंक दीजिए केटी जी, फेंक दीजिए केटी जी, जो आपको इतना दर्द देती है, इतना दर्द देती है, क्योंकि वो हमेशा आपको दर्द ही देती, 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 हमेशा आपको दर्द ही देती। मुझे अपने बैंक अकाउंट के सारे फंड्स खाली करने हैं। मैम वैसे ही आपके अकाउंट में बैलेंस कम है, आपको मिनिमम बैलेंस तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। जानती हूँ वो मेरी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं। मैंने कहा ना मुझे सारे पैसे निकालने। ओके मैम। जी मैम ये आपके लिए आया। मेरे लिए? सिंगापुर की वापसी की टिकट है, इसीलिए अपना सामान बांधो और चली जाओ यहां से। तुम्हारा मकसद यही था ना, केटी जी को धोखा देना, उन्हें झूठ बोलकर उनकी जिंदगी में वापस आना, उनसे शादी करना, जो हो नहीं पाया, इसीलिए हर रोज नए नए नाटक करके फिर से ये कोशिश दोहराना मत, क्योंकि अब मैं तुम्हें केटी जी की जिंदगी में घुसने नहीं दूंगी। और अगर तुम्हारी खुद की नजरों में अपनी इज्जत बची हो और उसे गंवाना नहीं चाहती हो तो अभी रवाना हो जाओ। अच्छा बोला तुमने, एक दिन में तेवर ही बदल गए तुम्हारे। कहीं तुम ये झूठ को सच तो नहीं मान रही हो कि कीर्तन तुमसे प्यार करता है? क्योंकि हम दोनों जानते हैं कि कीर्तन अब भी मुझसे बेहद प्यार करता है।
वैसे तुम्हारी जुबान खुलती देखकर हैरानी तो हुई मुझे। मुझे लगा था तुम गाय टाइप्स हो। बात इज्जत की है नंदिनी। एक औरत को जब उसका मान सम्मान मिलता है, इज्जत मिलती है, तो वो बिल्कुल शांत गाय की तरह होती है। लेकिन जब उसके परिवार पर मुसीबत आती है तो वो शेरनी का रूप ले लेती है, और उस रूप को ना जगाओ तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और रही बात केटी जी और मेरे रिश्ते की, वो तो तुम्हारे समझ के बाहर है। और ये जो तुम रोज रोज केटी जी के खिलाफ मुझे भड़काने की कोशिश करती हो कि केटी जी मुझसे प्यार नहीं करते, तुमसे बदला लेने के लिए उन्होंने मुझसे शादी की, तुम्हें क्या लगता है कि इससे तुम मेरे इरादों को हिला पाओगी? अग्नि के सामने जो मैंने 7 फेरे लिए हैं, उसे निभाने से रोक पाओगी? कभी नहीं। कभी नहीं नंदिनी, क्योंकि मेरे वचन सच्चे थे, नियत सच्ची थी, कर्म अच्छे थे और समझ पक्की थी। इसीलिए भूल कर भी तुम मेरी पति की जिंदगी में वापस लौटने की कोशिश भी मत करना। सही सुना नंदिनी? मैं कोई बच्ची नहीं हूं जो तुम जैसे औरत की बातों में आ जाओ, जिसने अपना भरा पूरा परिवार और सच्चे दिल से प्यार करने वाले पति को गवा दिया। तुम्हें पता है केटी जी और मेरा रिश्ता तब से नहीं जुड़ा जब से हमने शादी की। हमारा रिश्ता तो तब से जुड़ा हुआ है जब से हम बिजनेस पार्टनर्स बने, और वहीं से हम दोनों ने एक दूसरे का साथ देना शुरू किया, एक दूसरे की हिम्मत बने। हमारी जो आपसी समझ है और दिल से एक दूसरे की परवाह है, वो तुम्हारे समझ के बाहर है। ओ, एक बात बोलना तो भूल ही गई। तुम्हारी इस घटिया हरकतों की वजह से ना, मैं और केटी जी और करीब आ गए। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शाम की वापसी है तुम्हारी, जल्दी से सामान बांधो और निकलो यहां से, मेरे पति की जिंदगी में वापस ना लौटने के लिए। नहीं जा सकती। नहीं जा सकती या जाना नहीं चाहती? क्योंकि ये तो मैं अच्छी तरह जानती हूं कि तुम केटी जी की जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो और उन्हें उनकी जिंदगी में आगे बढ़ने से रोकना चाहती हो। रोका मैंने नहीं, मुझे खुद कीर्तन ने रोका है। केस फाइल कर दिया उसने मुझ पर। तुम्हें याद है वो शादी का पेमेंट जो था, उसने कैसे जिद करके मुझसे कहा कि मुझे किसी इंडियन बैंक के चेक से ही पे करना होगा, जबकि मैं आराम से कैश या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकती थी। मैंने कहा भी था कि प्रॉब्लम होगी, और वही हुआ। मेरा चेक बाउंस हो गया और उसने मुझ पर केस कर दिया। अब सोचना तुम्हें चाहिए, कीर्तन आराम से मुझसे पेमेंट लेकर मुझसे छुटकारा पा सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। इस बहाने से मुझे रोक लिया। अब वो खुद सामने से कभी अपनाएगा नहीं कि वो मुझे बहुत मिस करता है, और इसीलिए किसी ना किसी बहाने से वो चाहता है कि मैं उससे जुड़ी रहूं। ऐसा है हमारा प्यार, किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है, जिसमें हमेशा से थोड़ा एडवेंचर, थोड़ा एक्साइटमेंट, छोटी छोटी क्यूट सी शरारतें, गुस्सा, पैशन, सब कुछ रहता है। बुरा लगता है तुम्हारे लिए प्रीति, क्योंकि कीर्तन ना हमेशा मुझसे ही प्यार करेगा, और तुम उसकी जिंदगी में रहकर भी एक मुखौटा बनकर रह जाओगी। वो मुखौटा जो वो सिर्फ मुझे दिखाने के लिए पहनेगा। कल रात को उसका हाथ पकड़ के, उसका गुस्सा शांत करके, क्या लगता है तुम्हें कि तुम्हारा और कीर्तन का रिश्ता बहुत गहरा हो गया? और अब ये हर दिन होगा, तब तक जब तक कीर्तन मुझे वापस पा नहीं लेता। कब तक हाथ पकड़ोगी उसका? एक दिन वो खुद तुम्हारा हाथ मोड़ देगा मेरे पास आने के लिए। मैं अपने कीर्तन को ना बहुत अच्छी तरह जानती हूं। गुस्सा है वो मुझसे,
और यही तरीके हैं उसके अपना गुस्सा दिखाने के। पर तुम ये समझ नहीं पाओगी प्रीति, क्योंकि कीर्तन को तुमसे ना तो नाराजगी है, ना गुस्सा और ना प्यार। वैसे मुझसे पूछो तो तुम अपना टाइम बर्बाद कर रही हो। लिख कर दे सकती हूँ प्रीति, मैं और कीर्तन फिर से 17 साल पहले की तरह उसी घर पे, उसी बेडरूम में होंगे, और वो भी बहुत जल्द। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।